शादी जिंदगी का बहुत ही खूबसूरत पल होता है। बचपन से लड़कियों को अपनी शादी का इंतजार रहता है, ना जाने शादी के कितने अरमानों के साथ वो बड़ी होती हैं। अपने होने वाले पति के बारे में ना जाने कितने सपने संजोए रखती हैं खुद के मन में बिना किसी को बताए। लेकिन क्या हो जब ये खुशियों वाला पल किसी लड़की की जिंदगी बिखेर कर रख दे, किसी लड़की को तबाह कर दे, और वो भी एक दो नहीं बल्कि 50 लड़कियों की जिंदगी। जी हाँ, इतनी सारी महिलाओं की जिंदगी को तबाह करने वाले शख्स को हाल ही में एक महिला पुलिस ने ही उसे उसके खुद के जाल में फंसा कर धर दबोचा। चलिए अब आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। ये पूरा मामला शुरू हुआ मैट्रिमोनियल साइट से, जहां लड़कियों के साथ ही लड़कों का प्रोफाइल बनाया जाता है शादी के लिए। मतलब खुद के लायक लड़की और लड़के ढूंढने के लिए लोग यहां अपना अपना प्रोफाइल बनाते हैं। यहीं से ये पूरा कांड शुरू हुआ। मैट्रिमोनियल साइट पर सत्यजीत मान गोविंद सामल नाम के एक शख्स ने अपना प्रोफाइल बना रखा था। वो सिर्फ तलाकशुदा महिलाओं को रिक्वेस्ट भेजता था। जिसको इसने रिक्वेस्ट भेजा, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक्सेप्ट भी क्यों ना करें। इसने अपनी फेक प्रोफाइल इतनी तगड़ी जो बना रखी थी, इसने अपने प्रोफाइल में ये लिख रखा था कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक सीनियर ऑफिसर है, और जब भी कोई लड़की इससे मिलने आती तो ये उसे अपने माया जाल में कुछ इस कदर उलझा देता कि वो इसके झांसे में फंस जाती, और फिर ये इन लड़कियों से शादी का वादा करता और उनसे लाखों रुपए ठग लेता था। ये पूरा मामला उड़ीसा का है, और ये बात पुलिस तक तब पहुंची जब इसकी शिकार हुई दो महिलाओं ने पुलिस में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। और फिर जब पुलिस ने इसके मैट्रिमोनियल साइट पर बने इसके प्रोफाइल को खंगाला, तो पुलिस का भी माथा चकरा गया। इसके प्रोफाइल से ये बात सामने आई कि इसने अब तक 50 महिलाओं को अपने झूठे ढकोसले में फंसा रखा है। जिसके बाद पुलिस ने जब इन महिलाओं से पूछताछ की, तो सबने कहा कि सामल ने इन सब से शादी का झूठा वादा करके खूब पैसे ठगे हैं। जिसके बाद इसे पकड़ने के लिए एक महिला पुलिस ऑफिसर खुद इसका शिकार बनी और इसे इसके ही जाल में फंसा कर धर दबोचा। सामल को जब हिरासत में लेकर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो ये सामने आया कि ये इन महिलाओं से पैसे ठगकर दुबई में जाकर ऐश करता था, वहाँ मज़े करता था, आलीशान जिंदगी जीता था। इसने ज़्यादातर तलाकशुदा महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया था। इसने कई महिलाओं के साथ तो मैरिज एग्रीमेंट तक कर रखा था। वो तो दो महिलाओं की हिम्मत की वजह से सामल का पर्दाफाश हो सका है। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई में पुलिस लगी हुई है।